भवानीपाटना आश्रय गृह रे नाबालिका को जौन निर्यातना घटना रे गिरफ होइतबा संस्थार निर्देशक सरोज दास को कोर्ट चालान करा जायछि। गतकाली कोर्ट रे हाजर परे तांकर जामिन आवेदन खारज हेबारु तांकु जेल को पठाइ दिया जायछि। सरोज दास को विरोध रे लागिछि पोक्सो एक्ट। तबे अन्य अभियुक्त केयरटेकर कमलिनी पुजारी ओरफ बड़ मम्मी को गिरफ करबा को दाबी करिछन्ति पीडितांक परिवार लोके। भवानीपाटना रे थिबा आश्रय गृह भिजन रे अंतेवासी नाबालिकांकु जौन निर्यातना दिया जायतिबा अभियोग सारा राज्य रे चर्चा सृष्टि करिछि। एहाकु नै विधानसभा मध्य हुलस्थुल होइथिला। अधिक सूचना पई सीधासळख रहिछन्ति आम प्रतिनिधि घटेश्वर मिश्र। घटेश्वर, नाबालिकांकु जौन निर्यातना घटना रे संस्थार निर्देशक सरोज दास को गिरफ करा जायछि, कोर्ट चालान मध्य करा जायछि। एबे सुधा तांको पाखरु आउ कोन अधिक तथ्य मिलि पारिछि एवं ता सहित पीडितांक परिवार लोके आउ कोन अभियोग आणुछन्ति आउ कोन नुवा तथ्य सामना को आसिछि? देखो पूजा, गोटे जिनस जो मुख्य रही प्रयास गृहर मुख्य सरोज कुमार दास गत काली भवानीपाटना टाउन पुलिस गिरफ कर गिरफ करके जो स्पेशल पक्सो कोर्ट रही से कोर्ट रे हाजर कर जेहेतु तांकर पक्सो एवं एट्रोसीटी मामला दायर होती जमीन खारज होता पुलिस रिमांड रे नवापाई मध्य आवेदन करथिला किंतु ताकु मध्य मान्यवर जज खारज कर दे तो से जेल को जीवा को बाध्य होते जेल जाइए किंतु आ गोटे जिनस देखा ये कुकर्म घटना घटीता ये घटना आउ जे सहयोगी थे से केयरटेकर कमलिनी पुजारी नामक जड़े सहयोगी थे जहाँ को बड़ मम्मी डक जाऊला जो पीड़िता माँ निजे अभियोग गणमाध्यम भी अभियोग करते सीडब्ल्यूसी बलांगीर में अभियोग करते बलांगीर सीडब्ल्यूसी नाँ मामला दायर करने भवानीपाटना सीडब्ल्यूसी को लिखी थे और भवानीपाटना सीडब्ल्यूसी से अनुसार भवानीपाटना टाउन थाना अभियोग करते कि एपर्यंत आउ जे जो रही सहयोगी केयरटेकर तांको पुलिस तदंत परिसरभुक्त करना कि गिरफ्त करना तो पीड़िता परिवार तरफ दाबी होती गिरफ्त कर गोटे जिनस देखा सी डब्ल्यू सी एवं डीसीपी को न जन भवानीपाटना पुलिस आसिकी पीड़िता और तांक माँ को बलांगीरु उठाई नहीं था किंतु एपर्यंत से बलांगीर फेरी नहांती जेहेतु से पीड़िता माँ रही कि दिन मजुरी भाव में काम करती से केमी परिवार परिपोषण करेंगे तार चिंता घाड़ी जेहेतु तीन दिन है से भवानीपाटना रही किंतु पुलिस अधिकारी जहाँ कहते मजिस्ट्रेट बयान रेकर्ड करेंगे से रखी बोली पुलिस अधिकारी कहते कि एपर्यंत बलांगीर को पीड़िता और तांक माँ फेरी नहांती एसबू भितर जदि देखा एक कुकर्म घटनार अन्यतम अभियुक्त को गिरफ्त करा जाए नहीं ताकु नहीं मध्य चर्चा जोर धरी पुलिस ताकु केबे गिरफ्त करिवो। पूजा घटेश्वर, जदि देखा गत काली सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष खोद से निजे अभियोग आनी पुलिस कार्यकला पुलिस तदंत को लेकिन प्रश्न उठाई तो ता भितर जितेबले पुलिस ये घटना को नहीं तदंत करुच्छे तदंत बाटबणा हेनी तो कहीं काली विचित्र दृश्य देखा मिलता अभियुक्तर सामने नाबालिका को पुलिस पचराउचरा करूथिला ताकु ने मध्य सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष क्षोभ प्रकाश करथिले। निश्चित भाव में जदि पूरा घटना को देखा तो भवानीपाटना पुलिस कार्यकला सन्देह घेर को आसी सी डब्ल्यूसी अध्यक्ष निजे अभियोग करते कारण जिते बिल तदन कर से अभियुक्त बसी पुलिस ड्रेस पिंधिक जाता तदन करुला छोट छोट छुआ को डाक जदि जो पीड़िता और ताको माँ जो अभियोग करुले केवल जड़े झील नुहे अगर जो मैंने नाबालिका मैंने रोचान से सहित कुकर्म कर निर्देशक अभियोग करते जदि से गोटी गोटी कर डक जाए और पचराउचरा ठीक भाव में कराए तो आहरी सांघातिक तथ्य सामना को आसो अन्य नाबालिका मैंने जो मैंने कुकर्म शिकार होने से उद्धार करीड़िता माँ बारंबार कहते जिते बार झील को सी आने जाइए सेठे अगर झील मैंने कहते आमर तो कहीं ना जेहेतु अनाथ झील मैंने रोचानी से कहते आमर कहीं ना आम किए रक्षा कर आपन टी दयाक आम को उद्धार करने चेष्टा करेंगे बोली कहते पीड़िता माँ को तो गोटे गोटे झील मानक जब पचरा उचरा कराए अधिक सांघातिक तथ्य सामना को आसो से उद्धार करने जरूर होती किंतु पुलिस जो भाई भाव में तदन करुच्ची से झील मैंने अभियुक्त बसी थी पुलिस ड्रेस जीव एमती समय सेमीपर तो नहीं प्रश्न उठाई सी डब्ल्यूसी अध्यक्ष ये घटना आहरी अधिक तदन जरूरी संगीन कथ आज कहते सी डब्ल्यूसी अध्यक्ष गत काली पुलिस किभली आम को नजण अजड़ा स्थान को लेकिन पीड़िता और तक माँ को पचराउचरा करुच्ची जहाँ आपड़ सूचना दौरान ताकि तो अति संगीन एपर्तंत भी पुलिस
ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସନ୍ଦେହ ଏ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବୟାନକୁ ବଦଳାଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ବି କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ବି ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି, ସତ ଘଟଣା ଲୁଚିଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି କହିଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରହିଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବି ନାହିଁ, ପୋଲିସ କହୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବ ସେଠାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଡିସିପିକୁ ନ ଜଣାଇକି ନିଆଗଲା ଏବଂ ନେଇକି ସେଠାରେ ସୁଧାର ଗୃହ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପକାଉଥିବ, ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସେଟା କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ। ସେ ଉପରେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ହୁଏତ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।